राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में देर रात बदमाशों ने शराब दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने शराब दुकान में गार्डों के साथ पहले मारपीट की, फिर तिजोरी लेकर फरार हो गए। पूरा मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कटली का है। यहां शराब दुकान में तैनात तीन गार्ड्स से मारपीट की गई, फिर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद बदमाश दो तिजोरियों में एक तिजोरी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है। गांव वालों के द्वारा एक सूचना थाने में प्राप्त हुआ कि कटली जो देसी और विदेशी दोनों शराब भट्टी है, जहां पे लूट हुई है और वहां से 17 लाख से 20 लाख के आसपास केस ले गए हैं और कुछ शराब ले जाने की सूचना मिली। इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित घटनास्थल पर पहुंचा गया और वहां देखा गया। देखने से पता चला कि वो जो केस रखने का जो लॉकर है उसमें से केस लॉकर को ले गए हैं। बाद में लॉकर को कटर से कटवा कर खोला गया। अभी वर्तमान में जो 17 लाख रुपए है लगभग उसको वहाँ से रिकवर कर लिया गया है। वो चेस्ट में था और जो खाली चेस्ट है उसको जो 8 लोग लगभग संदेही हैं इनके द्वारा ले जाया गया है, वो अभी पुलिस तस्दीक कर रही है और इसमें आगे विवेचना में यही देखा जाएगा कि किनके द्वारा ये लूट को अंजाम दिया गया है। उसमें पुलिस अलग अलग पार्टी बना के वर्क कर रही है और बहुत ही जल्द इसमें रिजल्ट मिलने की।